जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, निरहुआ ने पीटा सपा का किला। सीएम योगी बोले, आजमगढ़ में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, डबल इंजन सरकार की नीतियों का सफल है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राज्य की आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति आभार जताया है। आजमगढ़ सीट पर मतगणना के दौरान चुनाव आयोग के समय 5 बजे तक मिले रुझान के मुताबिक भाजपा के प्रत्याशी निरहुआ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव से 8,000 से अधिक मतों की निर्णायक बढ़त बना ली थी। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर अपने बधाई संदेश में कहा है कि आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों का सफल है। भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को ये जीत समर्पित है। आभार आजमगढ़ वासियों। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। दोनों सीटों पर गत गुरुवार को हुए मतदान के बाद रविवार को मतगणना में मिले रुझान के मुताबिक दोनों सीटों पर भाजपा ने निर्णायक बढ़त बना ली है। आजमगढ़ सीट पर शुरुआती दौर की मतगणना में दोपहर तक सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव भाजपा के दिनेश यादव निरहुआ से लगभग 13,000 मतों से पीछे चल रहे थे। शाम के दोनों के बीच बढ़त का अंतर कम होकर 8,000 रह गया है। वहीं सीट पर बसपा के शाह आलम उफर गुड्डू जमाली तीसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, ज्ञात हो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से सांसद चुने गए अखिलेश यादव और रामपुर सीट से सांसद आसम खान की इस्तीफे के कारण रिक्त हुई इन दोनों सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है। गत विधानसभा चुनाव में अखिलेश और आजम ने विधायक चुने जाने के कारण लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। धर्मेंद्र यादव अपनी हार को हजम नहीं कर पा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि संसद में उठाऊंगा सवाल, आजमगढ़ में ईवीएम बदलने का आरोप भी लगाया। दोस्तों, संसदीय सीट के लिए हुए उपचुनाव के बाद रविवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने के ठीक पहले समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने स्ट्रांग रूम की ओर से रुख किया और उनको रोक दिया गया।